आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में शैबान नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। शैबान किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या शैबान किस भाषा का शब्द है? शैबान के माने क्या है? शैबान नाम का मतलब और अर्थ क्या है? शैबान में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? शैबान इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? शैबान हिंदी में कैसे लिखा जाता है? शैबान उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? शैबान उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शैबान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। शैबान के माने और शैबान नाम का मतलब है बुज़ुर्ग होना, बूढ़ा होना। ज़ाला बारी वाला महीना को भी शैबान कहते हैं और शैबान उस ज़मीन को भी कहते हैं जो बर्फ़बारी की वजह से सफ़ेद नज़र आती है। शैबान में 5 हरूफ हैं, शीन, ये, बे, अलिफ, नून। ये इंग्लिश में शैबान लिखा हुआ है, ये हिंदी में शैबान लिखा हुआ है। शैबान उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें शैबान लिखना है तो सबसे पहले शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में नून को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह शैबान लिखा हुआ आ जाएगा। शैबान लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में शैबान लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और याद रखें। नंबर 1, शीन। नंबर 2, ज़बर। नंबर 3, ये। नंबर 4, बे। नंबर 5, अलिफ। नंबर 6, नून। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये ज़बर हमेशा लेटर के ऊपर आएगा, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। बे ये लाइन पर ही लिखते हैं, अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं,
नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, बे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे और नून भी यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, शीन, और ये क्या लिखा, ये, और ये क्या लिखा, बे, और ये क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, नून। ये से पहले इस पे ज़बर आएगा तो इसको शय पढ़ेंगे। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मच करके देख लेते हैं। ये क्या है, शा, इसके लिए उर्दू में क्या है, शीन, और ये क्या है, ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए है कि ये इस पर ज़बर होगा, उसके बाद ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शय। ये क्या है, बा, इसके लिए उर्दू में क्या है, बे, और ये क्या है, आ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, लिफ, और ये क्या है, ना, इसके लिए उर्दू में क्या है, नून। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।